अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजबर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। जावास्क्रिप्ट के सिलसिले का एक और लेसन आज हम सीखेंगे, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना। और मैं ये कैलकुलेटर बनवाऊंगा बहुत ही थोड़े कोड से, बहुत ही छोटा सा इसमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल है और प्रॉमिस ये है कि 20 लाइन्स ऑफ कोड से कम होंगी, ठीक है। और 20 लाइन्स ऑफ कोड में हम सिर्फ ये कैलकुलेटर अपना बना लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपके सामने जो कि फुल्ली फंक्शनल कैलकुलेटर है, 8 × 8 = 64, इसको स्क्वायर रूट का सिंबल दबाएं तो 8 / 4 = 2, 2 × 10 = 20, क्लियर स्क्रीन करें तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है। पूरा कंप्लीट फंक्शनल है, बेसिक सा कैलकुलेटर है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में क्यों सिखा रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट सीखने के बड़े फ़ायदे हैं, बड़ी अच्छी सैलरीज हैं और हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक वेबसाइट पर हूँ, seek.com ऑस्ट्रेलिया की, और मैंने टाइप किया है जावास्क्रिप्ट और आप अगर आप इसमें देखें तो सैलरीज आज की डेट में 2,446 जॉब्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, और इस वेबसाइट पे सारी जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। और आप सैलरीज देखने जाएं इसकी तो अक्सर जॉब में सैलरीज मेंशन नहीं की हुई, लेकिन कुछ में ऐसा है कि सैलरीज मेंशन है, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, 950 से लेकर $1,000 पर डे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। और वक्त ऐसा आ रहा है होपफुली कि लोग रिमोटली काम कर रहे हैं, ये काफ़ी सारी जगहों पे आपको लिखा होता है कि रिमोट वर्क इज़ अलाउड। तो मेरी अपनी कोशिश ये है कि इसमें ये जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि एक्सपीरियंस भी कम होगा उसको भी $75,000 तक साल के दे रहे हैं, 56 से 75,000 तक के, ठीक है। 1,80,000 से 2,20,000 तक बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी है। तो ये जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी $800 से $1,100 पर डे या फिर 1,30,000 से 2,00,000 पर डे एक दिन में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 800 से लेकर $1,100 पर डे तक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी मैं आप लोगों को सिखा सकूँ, थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने। और आज हम सीखेंगे ये कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है, और इसका लाइन ऑफ कोड अगर आप देखें तो ये बहुत ही छोटा सा कोड है, ठीक है। तो मेहनत से सीखें, इंशाल्लाह मेहनत पे ऑफ करेगी। प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, राइट माउस क्लिक करके मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ कैलकुलेटर का, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर का एक फोल्डर हमने बना लिया जो कि एम्प्टी है। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड के आइकन पर, ताकि ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड के आइकन विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाए। तो ये फोल्डर ओपन हो गया है, रिसाइज कर लेते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर को और ये फोल्डर भी यहाँ पे खोल लेते हैं, ठीक है। इस वक्त एम्प्टी है फोल्डर और यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे index.html, ठीक है। मेक श्योर कि आप HTML का एक्सटेंशन इसमें ज़रूर टाइप करें। तो ये इंडेक्स की एक फाइल बन गई है, HTML फाइल है ये, जो कि ब्लैंक वेब पेज है। डबल क्लिक करके मैं इसको खोल लेता हूँ तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी, ठीक है। मिनिमाइज कर लेते हैं एक्सप्लोरर को और यहाँ पे हम टाइप करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब दबाते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड ने बेसिक HTML स्केलेटन या बॉयलर प्लेट भी इसको कहते हैं वो क्रिएट कर दिए, ठीक है। इसको हम चेंज कर देते हैं टाइटल को और हम कहते हैं कैलकुलेटर। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये टाइटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट का चेंज हो गया कैलकुलेटर। अब हम बनाएंगे बॉडी एलिमेंट में, ठीक है। विद इन ओपनिंग बॉडी टैग एंड द क्लोजिंग बॉडी टैग हम बनाएंगे एक डिव जिसको हम क्लास देंगे स्क्रीन की, ठीक है। कैलकुलेटर में एक स्क्रीन होती है और एक दूसरा हिस्सा होता है इसका जिसमें बटन्स होते हैं कुछ, तो ये हम ने एक डिव बना लिया है जिसकी क्लास स्क्रीन हमने दी है। इसका इनर HTML खाली है, अगर मैं कुछ टाइप करूँ यहाँ पे और फाइल करके मैं सेव करूँ तो ये यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम इसको पॉपुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अगर इसको सेव करके रिफ्रेश करें तो ये कुछ भी नहीं है इसमें। सर मैं चाहता हूँ क्लोजिंग हेड टैग से पहले, और मैं लिखता हूँ स्टाइल और टैब दबाता हूँ, एक ओपनिंग स्टाइल टैग और क्लोजिंग स्टाइल टैग बन गया है। और इसमें मैं टारगेट करूँगा इस डिव को विद द हेल्प ऑफ क्लास, तो क्लास का नाम है स्क्रीन। उसके लिए क्लासेस को टारगेट करने के लिए डॉट टाइप करके और क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने डॉट स्क्रीन लिखा है, ओपनिंग कर ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर ली ब्रैकेट। उसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 pixel सॉलिड ब्लैक का। फाइल करके सेव करते हैं, फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं,
ये एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है इस डिव के अराउंड। इसको हम विथ दे देते हैं, विथ देते हैं 200 पिक्सल्स और हाइट हम दे देते हैं इसको 50 पिक्सल्स की। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्रीन क्रिएट हो गई है जिसमें जब आप नंबर प्रेस करेंगे बटन्स के तो वो नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए आपको, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है 200 पिक्सल वाइड और 50 पिक्सल हाइट और बॉर्डर इसका 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का। अब हम एक और एलिमेंट क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, और इस एलिमेंट में हम बटन क्रिएट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे करूँ बटन और टैब दबाऊँ और फाइल करके मैं सेव करूँ तो इस एलिमेंट के अंदर एक बटन क्रिएट हो गया, ठीक है, जो कि बहुत छोटा सा बटन है और इसके ऊपर कुछ नंबर वगैरह नहीं है। लेकिन हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हम क्रिएट करेंगे बटन विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो सिर्फ ये दो एलिमेंट्स आपने बनाने हैं एचटीएमएल में, बाकी सारा काम हम अपनी जावा स्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। तो मैं करता हूँ स्क्रिप्ट, एक ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग, और सबसे पहले हम इन दो एलिमेंट्स को अपने वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट वी स्क्रीन, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ वी स्क्रीन का, और हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और क्लास हम टारगेट करेंगे स्क्रीन की, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लास को यूज़ करके किसी भी एलिमेंट को एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। हमने ये वेरिएबल बनाया है वी स्क्रीन, और मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग वी स्क्रीन के कंटेंट्स को हम देख लेते हैं कंसोल लॉग करके। फाइल करके सेव करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, F12 का मैंने बटन दबाया तो ये हमारे पास कंसोल ओपन हो गया, और ऑफ कोर्स लाइन नंबर 27 पर, लाइन नंबर 27 यहाँ पर है। इस वेरिएबल में हमारे पास ये एलिमेंट सेव हो गया है जिसकी क्लास स्क्रीन है। दूसरे एलिमेंट को भी सेव कर लेते हैं कैलकुलेटर के, और एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट वी कैलकुलेटर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसकी क्लास है कैलकुलेटर, ठीक है। तो आप नोट करेंगे कि जो वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ उनके नाम से पहले मैं प्रीफिक्स कर रहा हूँ वी का टेक्स्ट, यानी कैरेक्टर वी। ये सिर्फ कन्वेंशन मैं यूज़ करता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, और उसके बाद ये एलिमेंट की क्लास है ताकि ये पता चले कि कौन सा एलिमेंट इस वेरिएबल में सेव है, ठीक है। कंसोल लॉक कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं वी कैलकुलेटर को भी। फाइल करते हैं सेव और रिफ्रेश करते हैं, ये हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है, LOG होना चाहिए। फाइल सेव रिफ्रेश, और ये दूसरा एलिमेंट भी हमारा लाइन 30 पे डिस्प्ले हो रहा है इस वेरिएबल में सेव है, और हम डिस्प्ले कर रहे हैं इस वेरिएबल के कंटेंट्स, और ऑफ कोर्स ये वी कैलकुलेटर हमारा इस वेरिएबल में सेव है, ये एलिमेंट ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्रिएट करनी है विद इन दिस इनर एचटीएमएल, हमें कैलकुलेट करना है कुछ बटन्स। तो मैं करता हूँ एक और वेरिएबल क्रिएट, मैं कहता हूँ लेट वी बटन, ठीक है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। हमने पहले HTML की मदद से एलिमेंट क्रिएट किया था बटन का, लेकिन हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कर रहे हैं बटन क्रिएट। तो BUTTON बटन का एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और उस एलिमेंट को हम सेव कर रहे हैं वी बटन के वेरिएबल में। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं वी बटन को भी, फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये एक लाइन 33 पर हमारे पास कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है इस वेरिएबल का, और ऑफ कोर्स ये एक बटन का एलिमेंट है। लेकिन नोट करें कि आपको बटन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि जब हमने पहले बटन एलिमेंट क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल तो हमने इनर एचटीएमएल में डाला था, और वो ऑटोमेटिकली इस एलिमेंट से अटैच था जो कि बॉडी के एलिमेंट से अटैच है, ठीक है। तो ये वाला डिव इस बॉडी का चाइल्ड है, लेकिन वी बटन जो हमने
इस एलिमेंट को जो सेव किया है वी बटन के वेरिएबल में, ये बटन किसी भी एलिमेंट से अटैच नहीं है इस वक्त, और इसी वजह से पेज पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं वी कैलकुलेटर, ठीक है, वी कैलकुलेटर इस एलिमेंट का नाम है, और इस पे हम अपेंड कर देते हैं अपेंड चाइल्ड, इसको अटैच कर देते हैं वी बटन के वेरिएबल की मदद से। वी बटन को हम इस एलिमेंट से अटैच कर रहे हैं। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, और ये बटन आपके पास जैसे पहले मौजूद था इसी तरह से नज़र आ रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये बटन हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट किया था, और पहले वाला बटन हमारा था HTML की मदद से, ठीक है। अब ये बटन बहुत छोटा है, तो हम इसको टारगेट करते हैं स्टाइल एरिया में अपने, और सारे बटन्स, ठीक है, जितने भी बटन हमारे पास हों उस पेज पर, सबको टारगेट कर रहे हैं हम। इसकी विड्थ दे देते हैं 50 पिक्सल्स की, और हाइट हम दे देते हैं 50 पिक्सल्स की। फाइल करके मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, ये बटन हमारे पास बड़ा हो गया है 50x50 पिक्सल्स। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे, और बॉर्डर रेडियस मैं दे देता हूँ 7 पिक्सल्स का। फाइल करके मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये हमारे पास एक बॉर्डर भी आ गया है जो कि थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है। अब बटन समय कम से कम 10-12 बटन बनाने, तो क्या किया जाए, तो उसके लिए हम करते हैं, और बटन पे लेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो पहले लेबल दे लेते हैं क्योंकि ये एम्प्टी बटन है। तो मैं करता हूँ एक और वेरिएबल क्रिएट, वी बटन्स अरे, ठीक है, ये मैं एक अरे क्रिएट कर रहा हूँ। अरे एक वेरिएबल की तरह होता है, इसमें सिर्फ फर्क सिर्फ ये होता है कि आम वेरिएबल में और एक अरे में, कि अरे मल्टीपल वेरिएबल सेव कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं सेव करता हूँ 1, 2 और ये नंबर्स थे। इसके बाद मैं करता हूँ सेव इसमें सिंगल कोटेशन में प्लस का साइन सेव कर लेते हैं, ठीक है, प्लस का साइन, और उसके बाद सिंगल कोटेशन में इज इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब ये हमने इस अरे में 4 एलिमेंट्स सेव किए हैं। फाइल सेव रिफ्रेश कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब हमें ये अप्लाई करना है इनमें से ये एलिमेंट्स बटन के ऊपर, ठीक है। तो हम ये वाला एलिमेंट चाहते हैं, हम कहते हैं वी बटन डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट, ठीक है, बटन के ऊपर जो लिखा हुआ नज़र आए वो क्या लिखा हुआ हो, इस एलिमेंट्स इस अरे से निकालना चाहते हैं वी बटन्स डॉट अरे, और इसके इंडेक्स 0 पर नंबर 1 सेव्ड है, ठीक है, 0 करते हैं। फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये 1 इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स का नंबर इसमें 1 कर दूं, तो ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, और 1 हम इसको टारगेट कर रहे हैं। सेव करें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ होगा, 2 लिखा हुआ आएगा। अगर मैं इंडेक्स 2 को टारगेट करूं, तो प्लस का साइन आ जाएगा। फाइल सेव रिफ्रेश, ठीक है, और इसी तरह अगर मुझे ये वाला एलिमेंट टारगेट करना है तो इंडेक्स में कर दूंगा 3। फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इज इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है। तो इसको हम 0 कर देते हैं दोबारा से, फाइल करके दोबारा से सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, और ये 1 लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब इसका जो साइज है टेक्स्ट का बहुत छोटा है, तो बटन में जाके CSS एरिया में हम करते हैं फॉन्ट साइज हम करते हैं 30 पिक्सल्स, और फाइल करके अगर मैं सेव करूं तो फॉन्ट साइज बड़ा हो गया है, और मैं फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देता हूं, फॉन्ट फैमिली वेराला राउंड। ये फॉन्ट मैंने स्पेशली डाउनलोड किया है क्योंकि मुझे पसंद है। आप चाहें तो इसको खाली छोड़ दें या अपनी मर्जी का दूसरा कोई फॉन्ट यूज़ कर लें, लेकिन ये फॉन्ट गालिबन आपके पास नहीं होगा, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं या कोई दूसरा भी फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लें गूगल से, ठीक है, गूगल फॉन्ट्स। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, फॉन्ट फैमिली RELA, सही स्पेलिंग RELA है। सेव रिफ्रेश, तो ये फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, बटन सब हमें बनाने हैं तकरीबन 10-12 के करीब, तो क्या किया जाए। तो एक आसान तरीका इसका ये है कि हम इसको लूप चला देते हैं, फॉर लूप क्रिएट करते हैं। फॉर लूप क्रिएट करने का तरीका ये है कि फॉर का कीवर्ड ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। विद इन पैरेंथेसिस हम क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल और उसको नाम देते हैं i का, उसकी वैल्यू कर देते हैं हम 0। अच्छा,
ये लूप है। लूप का मतलब एक चीज जो कि बार बार रन हो, लेकिन हम इसको एक लिमिट देना चाहते हैं कब तक रन हो, कितनी दफा रन हो। तो हम कहते हैं आई इज लेस देन, लूप कब तक रन हो, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन बटन्स की अरे को हमें बाहर निकालना पड़ेगा इस लूप से, ठीक है। हम कहते हैं वी बटन्स अरे, वी बटन्स अरे डॉट लेंथ, ठीक है, यानी कि इस अरे की जितनी भी लेंथ है उससे कम जब तक आई की वैल्यू हो रन करे, और हर दफा जब रन हो तो आई की वैल्यू में एक ऐड हो जाए, ठीक है। कह रहे हैं हम ये कि इनिशियल वैल्यू आई की 0 है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये वेरिएबल उस वक्त तक रन हो, ये लूप उस वक्त तक रन हो जब तक कि आई की वैल्यू वी बटन्स अरे डॉट लेंथ, इसकी लेंथ इस वक्त 4 है, ठीक है। तो ये लूप रन होगा 3 दफा, यानी 0 और इनिशियल वैल्यू है 0 1 2 3, 3 जो है वो 4 से कम है, इस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को नीचे ले आते हैं, तो ये हर लाइन ऑफ कोड जो कि इसकी बॉडी के अंदर मौजूद है ये लूप में कई दफा रन होगी, ठीक है। इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, रिमूव कर देते हैं, फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन ऑफ कोड 4 दफा रन हुई है, ये लाइन ऑफ कोड 4 दफा रन हुई है, और ये लाइन ऑफ कोड भी 4 दफा रन हुई है, और इसमें क्योंकि हमने हार्ड कोड किया हुआ है इंडेक्स की वैल्यू को, तो ये हर दफा बटन के ऊपर इसने ये वाली इंडेक्स 0 से ये पोजिशन पिक की है जो कि 1 का सिंबल है, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग इट विद 0 हम ये वेरिएबल यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू हर दफा जितनी दफा लूप रन हो रहा है वो चेंज हो रही है। तो हम करते हैं इसकी वैल्यू को आई, अब करते हैं सेव और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो पहली दफा जब लूप रन हुआ तो इंडेक्स की वैल्यू 0 थी, तो इसने ये वाला एलिमेंट पिक किया है। दूसरी दफा जब लूप रन हुआ तो इसकी वैल्यू थी इंडेक्स 1, जो ये एलिमेंट इसने क्रिएट किया इस बटन पे, उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई और उसके बाद 3 हो गई, ठीक है। तो ये 4 दफा रन हुआ है। अब हमारे पास 3 बटन ऐसे हैं जिनकी मदद से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कि जब मैं कोई बटन क्लिक करूं तो वो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आए, यानी 2 अगर मैं क्लिक करूं तो स्क्रीन में वो नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ये स्क्रीन का जो एलिमेंट है क्लास स्क्रीन, ये हमने वी स्क्रीन के वेरिएबल में सेव किया हुआ है। हम करते हैं एक एड इवेंट लिसनर, तो वी बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, हम चाहते हैं क्लिक का इवेंट को लिसन करें ये, और जब भी क्लिक का इवेंट हो क्या हो, एक फंक्शन रन हो जाए, हम उसको कहते हैं CALCULAT और कैलकुलेटर कह देते हैं, ठीक है। तो जब कैलकुलेटर, जब ये क्लिक का फंक्शन, जब ये क्लिक का इवेंट हो, यानी कोई भी बटन पे क्लिक किया जाए, तो उस इवेंट को नोट करे हमारी जावास्क्रिप्ट और एक फंक्शन रन करे जिसका हमने नाम दिया कैलकुलेटर का, ठीक है। तो हमने ये फंक्शन अभी तक क्रिएट नहीं किया, फंक्शन क्रिएट करने का तरीका क्या है, हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा इसी नाम से। तो फंक्शन का कीवर्ड देते हैं कैलकुलेटर, कैलकुलेटर सॉरी कैलकुलेट, कैलकुलेट इसको भी हम नाम दे देते हैं कैलकुलेट, ठीक है, ताकि हमारा यहाँ से कैलकुलेटर यहाँ से क्लास से थोड़ा सा मुख्तलिफ रहे। तो फंक्शन कैलकुलेट और फंक्शन नाम देके, फंक्शन कीवर्ड नाम फंक्शन का, उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जब बटन क्लिक हो तो स्क्रीन ये इनर एचटीएमएल पॉपुलेट हो जाए उस बटन की जो नंबर है उससे। तो हम कहते हैं सो वी स्क्रीन डॉट इनर HTML शुड बिकम इक्वल टू वॉट वी बटन डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट के बराबर हो जाए, ठीक है। तो जब भी कोई बटन क्लिक हो तो वी स्क्रीन इनर HTML जो कि इस वक्त एम्प्टी है वो बराबर हो जाए बटन डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट के, जो भी बटन क्लिक किया गया है उसका जो टेक्स्ट कॉन्टेंट है और जो यहाँ पे हम पिक कर रहे हैं इस अरे से, वो स्क्रीन पे हमें नजर आ जाए। फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई भी बटन मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देखें 2 का बटन मैंने क्लिक किया था,
ये टू लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है। अच्छा अब ये टू बहुत छोटा है तो हम जाते हैं इस स्क्रीन पर जहाँ पे हम ये टारगेट कर रहे हैं सी एस एस एरिया में। मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स दे देते हैं, फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 2+1 ये नंबर चेंज हो रहा है, फॉन्ट फैमिली को चेंज कर देते हैं, फॉन्ट वेराला राउंड, फाइल करके सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करते हैं और टू मैंने क्लिक किया तो ये टू लिखा हुआ आ गया। अब ये मैं टू चाहता हूँ कि राइट हैंड साइड पे नज़र आए, तो हम जाते हैं दोबारा स्क्रीन के एरिया में सी एस एस एरिया में, मैं कहता हूँ जस्टिफाई कॉन्टेंट राइट। ठीक है तो एक सी एस एस प्रॉपर्टी है काम करेगी या नहीं करेगी आपके ख्याल में? काम नहीं करेगी क्योंकि रिफ्रेश करूँ टू क्लिक करूँ इस वक्त भी लेफ्ट साइड पे मौजूद है। इसकी वजह यह है कि ये काम करती है सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ। ठीक है तो डिस्प्ले हमने फ्लेक्स किया, फाइल करके सेव किया, रिफ्रेश किया, अब अगर मैं क्लिक करूँ तो ये हमें टू राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, कोई सभी नंबर जो हम क्लिक कर रहे हैं वो हमें राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है लेकिन वर्टिकली अलाइन नहीं है ये। ठीक है तो हम कहते हैं अलाइन आइटम्स और अलाइन आइटम्स कर देते हैं राइट अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है फाइल करके मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, टू क्लिक किया मैंने तो ये वर्टिकली सेंटर भी हो गया। ठीक है अब प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा है कि अगर मैं टू दबाने के बाद प्लस का साइन टाइप करता हूँ तो टू गायब हो जाता है, प्लस का साइन इसमें रह जाता है और ये ट्रू है हर बटन के लिए जो कि हम क्लिक कर रहे हैं। तो उसका तरीका सिर्फ ये है कि यहाँ पर जब फंक्शन में हम ये चाहते हैं कि बजाय पुराना नंबर रिमूव होने के जो भी बटन क्लिक किया गया है वो उसमें ऐड हो जाए तो हम प्लस का साइन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है अपेंड कर रहे हैं, फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 2+1 दिस इज़ व्हाट वी वांटेड एंड वी हैव अचीव्ड द रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन। इज इक्वल टू का साइन मैं क्लिक करूँ तो इसको कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है अब ये एज ए स्ट्रिंग मेमोरी में सेव हो गया है इस वी स्क्रीन डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है हम चाहते हैं कि जब ये बटन क्लिक हो ये वाला 2+1 का बटन अगर इज इक्वल टू कोसाइन क्लिक हो तो ये कैलकुलेट हो जाए बजाय इसके कि ये बटन यहाँ पे नजर आए। ठीक है तो ये इवेल्यूट कर सकते हैं हम इस स्ट्रिंग को एज लॉन्ग एज कि इसमें इज इक्वल टू का बटन इस स्ट्रिंग में इज इक्वल टू शामिल ना हो। ठीक है तो ये एक ऐसा 2+1 एक इवेल्यूट कर सकते हैं यानी 2+1 3 हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ईवेल फंक्शन एक होता है। ठीक है जावास्क्रिप्ट में हम लगाते हैं इफ की कंडीशन, इफ और इफ की कंडीशन का डिफॉल्ट क्या है, इफ कीवर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट। मैं कहता हूँ वी बटन डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट। ठीक है अगर वी बटन डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट इज स्ट्रिक्टली इक्वल टू इज इक्वल टू साइन तो क्या हो, वी स्क्रीन डॉट इनर एच टी एम एल के जो कॉन्टेंट है वो मॉडिफाई हो जाए। ठीक है इस वक्त कॉन्टेंट क्या है, 2+1 और इज इक्वल टू का साइन। ठीक है तो ये स्ट्रिंग इवेल्यूट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन मौजूद है। तो हम चाहते हैं कि वी स्क्रीन डॉट इनर एच टी एम एल को री वैल्यू हो जाए उसकी वी स्क्रीन डॉट इनर एच टी एम एल डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है सब स्ट्रिंग एक तरीका है स्ट्रिंग में से कोई भी वैल्यूज पिक करने का, तो हम चाहते हैं ये पिक वैल्यू हो जीरो से और इस वक्त जीरो पोजीशन पे टू है। ठीक है और इसके बाद हम जाते हैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, इसके बाद हम जाते हैं हम एक दफ़ा और टाइप करते हैं वी स्क्रीन डॉट इनर एच टी एम एल डॉट लेंथ। ठीक है और उसके बाद -1 तो यहाँ पे हम री वैल्यू कर रहे हैं असाइन कर रहे हैं दोबारा से स्क्रीन इनर एच टी एम एल को। यहाँ पे जो भी कंटेंट्स थे हमने ज़ीरो से शुरू किया, ज़ीरो हम रखना चाहते हैं और उसके बाद हमने लेंथ कैलकुलेट की, इसमें जो भी वर्ड्स जो भी टेक्स्ट मौजूद है उसकी लेंथ मेजर की और उसमें से हमने एक माइनस कर दिया राइट हैंड साइड से। तो फाइल करके मैं सेव करता हूँ और रिसाइज करते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर को, रिफ्रेश करते हैं तो 2+1
प्लस वन प्लस टू फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब मैं इज इक्वल टू का बटन दबाऊंगा तो वो बटन हमें नज़र नहीं आएगा। ये हो रहा है उस वक्त, इज इक्वल टू का साइन इस वक्त डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है, और ये हो रहा है सिर्फ उस वक्त जबकि इज इक्वल टू का साइन क्लिक किया जाए। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब ये इवेल्यूएट हो सकती है ये जो स्ट्रिंग है। हम दोबारा से इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं और हर चीज़ को जो कि मौजूद है इसमें एक ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में एनक्लोज कर दी। और उसके बाद एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का ईवेल, इवेल्यूएट, फाइल करके मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को, टू प्लस वन करता हूँ, अगर मैं इज इक्वल टू का सिंबल क्लिक करूँ तो ये ऐड कर दिया इसने, ठीक है। दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, वन प्लस वन प्लस टू, ये चार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी हमने कैलकुलेटर की चार बटन्स की मदद से हासिल कर ली है। अब हमें करना क्या है, बटन्स मजीद बनाने हैं और इसको हमें कैलकुलेटर की लुक देनी है। तो मैं जाता हूँ, एक और टैब खोलता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कैलकुलेटर, बटन्स देख लेते हैं, इमेजेस पे जाते हैं और एक कोई ऐसी इमेज चूज़ कर लेते हैं जो कि सिंपल कैलकुलेटर की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैलकुलेटर हमारे पास सिंपल वाला, और उसमें चार नंबर हैं, पहले तीन नंबर हैं, 7, 8, 9, और उसके बाद डिवीजन सिंबल है। तो हम जाते हैं अपने अरे में, मैं टाइप करता हूँ 7, 8 और 9, और उसके बाद मैं ये डिवीजन का सिंबल यूज़ कर लेता हूँ, और चूंकि ये मैथमेटिकल नंबर नहीं है तो मैं सिंगल कोटेशन में टाइप करूँगा फॉरवर्ड स्लैश, जो कि डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। उसके बाद नंबर्स हैं, अच्छा पहले इसको सेव करके देख लेते हैं, फाइल करके सेव करते हैं और कैलकुलेटर के दोबारा से टैब पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये चार बटन्स हमारे पास आ गए जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। अगले बटन्स क्या हैं, 4, 5, 6, और उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैं इसमें मज़ीद ऐड कर देता हूँ 4, 5, 6, और सिंगल कोटेशन में एस्टरिस्क जो कि मल्टीप्लिकेशन का काम सर अंजाम देता है। फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब ये बटन इस बॉडी से बाहर निकल गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस एलिमेंट को भी टारगेट कर लेते हैं CSS की क्लास, CSS से क्लास है इसकी कैलकुलेटर, ठीक है। मैंने डॉट टाइप किया ताकि मैं क्लास को टारगेट करूं, और हम दे देते हैं इसको विथ 200 पिक्सल्स की, फाइल करके मैं करता हूं सेव, और ये हमारा मसला हल हो गया, ठीक है। दोबारा से कैलकुलेटर में जाते हैं और नेक्स्ट नंबर्स हैं 1, 2, 3 और माइनस का सिंबल, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1, 2, 3 और सिंगल कोटेशन में माइनस का सिंबल, फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को, और ये एक और रॉ ऐड हो गई है। नेक्स्ट रॉ है हमारे पास, प्लस का साइन आना चाहिए, ये CLS का या AC का फंक्शन भी हमें देना होगा, एक ज़ीरो और उसके बाद एक डॉट है, ठीक है। तो दोबारा से जाते हैं कैलकुलेटर पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंगल कोटेशन में CLS, उसके बाद नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि ज़ीरो लिखा हुआ आ जाए या फिर सिंगल कोटेशन में डॉट लिखा हुआ आ जाए, और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हो वो ज़ीरो लिखी हुई हो, और उसके बाद हमारे पास सिंगल कोटेशन में प्लस का साइन हमने डालना है। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, और ये हमारे पास चार बटन्स और ऐड हो गए, जिसमें क्लियर का फंक्शन भी, बटन भी हमने डाल दिया, फंक्शन नहीं डाला अभी तक, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए कुछ और बटन्स भी, तो मैं इसमें सिंगल कोटेशन में 2 ज़ीरो डाल देता हूँ, उसके बाद मैं डाल देता हूँ इसमें एक और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, एक हम स्क्वायर रूट, तो मैं ऑल्ट का दबा रहा हूँ की अपने कीबोर्ड पर 251, और ये मैंने ऑल्ट कोड इस्तेमाल करते हुए एक स्क्वायर रूट का सिंबल इसमें टाइप कर दिया है, और इसके बाद सिंगल कोटेशन में अगेन इज इक्वल टू को साइन डाल देते हैं, ठीक है। तो फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तीन और बटन्स ऐड हो गए हैं। अब फंक्शनैलिटी तकरीबन इसमें सारी की सारी मौजूद है। मैं करता हूँ 5 × 6 30 होना चाहिए, 30 / 2 15 हो गया, 15 + 15 = 30, 30 - 10 = 20, 20 × 2 = 40। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन सारी हो रही है, लेकिन अगर मैं CLS का बटन क्लिक करूँ तो ये CLS यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है। स्क्रीन क्लियर हो जानी चाहिए। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, यहाँ पे हम एक और इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं, इफ़
वी बटन डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट ठीक है इज इक्वल टू स्ट्रिक्टली इक्वल टू सी एल एस ठीक है। तो क्या हो कर्ली ब्रैकेट में वी स्क्रीन डॉट इनर एच टी एम एल किसके बराबर हो जाए एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर हो जाए। फाइल करके सेव करते हैं रिफ्रेश करते हैं कोई भी आप कैलकुलेशन करें आंसर आ गया उसके बाद अगर मैं क्लियर सी एल एस का दबाऊं बटन तो स्क्रीन क्लियर हो गई ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी भी हमने हासिल कर ली है। अब काम क्या रह गया हमारे पास अगर मैं स्क्वायर रूट का सिंबल दबाऊं तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि हम नहीं चाहते ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ दोबारा अपने टेक्स्ट एडिटर को और एक और इफ कंडीशन लगा देता हूँ इफ वी वी बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज स्ट्रिक्टली इक्वल टू सिंगल कोटेशन ऑल दबा के 251 अपने न्यूमेरिक कीपैड पर मैंने टाइप किया। अच्छा नोट ये करने की बात है कि अगर आपका न्यूमेरिक कीपैड नहीं है लैपटॉप पर या कंप्यूटर पे तो ये आपका काम नहीं करेगा इसमें ऑल्ट कोड इस्तेमाल नहीं हो सकते उन कंप्यूटर्स पे इनमें राइट हैंड साइड पे न्यूमेरिक कीपैड नहीं है तो आपको यहाँ पे या स्पेशल कोड इस्तेमाल करना पड़ेंगे जो कि आप गूगल कर सकते हैं ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट ये जो बटन क्लिक किया जाए वो बराबर हो स्क्वायर रूट के सिंबल के तो क्या हो विद इन कर्ली ब्रैकेट वी स्क्रीन डॉट इनर एच टी एम एल को दोबारा से हम वैल्यू रीजाइन करेंगे जो भी वैल्यू है हम कहेंगे वी स्क्रीन डॉट इनर एच टी एम एल। अच्छा एग्जैक्टली ये फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्टली ये मेथड यूज़ कर सकते हैं सारे के सारे लेकिन यूज़ करते हैं हम एक रिप्लेस का मेथड ताकि आप लोग कोई नई चीज़ भी सीखें और रिप्लेस करने के बाद मैं कहता हूँ फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद ऑल 251 फॉरवर्ड स्लैश वन मोर टाइम कॉमा और हम ये कह रहे हैं कि अगर इवेल्यूट करे इस इनर एच टी एम एल कॉन्टेंट को ये वाले को और उसमें अगर कोई स्क्वायर रूट का सिंबल मौजूद है तो उसको रिप्लेस कर दे एम्प्टी स्ट्रिंग से ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये काम ये लाइन ऑफ कोड हमारे पास काम कर रही है या नहीं कर रही है। दोबारा से चेंज करते हैं ब्राउज़र का साइज़ रिफ्रेश करते हैं मैंने 4 दबाया उसके बाद अगर मैं स्क्वायर रूट का बटन दबाऊं तो स्क्वायर रूट का सिंबल हमें नज़र नहीं आना चाहिए ठीक है नज़र आ रहा है इसमें कुछ गलती है वी स्क्रीन एंड इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। फाइल करके मैंने सेव किया रिफ्रेश किया 4 लिखा इस स्क्वायर रूट का सिंबल दबाया मैंने तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल नज़र नहीं आ रहा। रिफ्रेश करते हैं 16 टाइप करते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल तो कुछ भी हो नहीं रहा ठीक है। तो अब हमारे पास जब ये स्क्वायर रूट का सिंबल रिमूव हो गया तो हम इस लाइन ऑफ कोड को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक इनक्लोज कर देते हैं एक सिंगल पैरेंथेसिस में ठीक है। और एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का मैथ डॉट स्क्वायर रूट जो कि ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करता है जो भी नंबर होगा। फाइल करके सेव करते हैं रिफ्रेश करते हैं 64 मैंने दबाया उसके बाद इसका स्क्वायर रूट मैंने निकाला तो 8 आ गया ठीक है। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं 16 मैंने दबाया स्क्वायर रूट 4 आ गया स्क्वायर रूट दोबारा से दबाऊं तो 2 आ गया। तो एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी हमारे पास आ गई है एक छोटे से कैलकुलेटर हमने डिज़ाइन कर दिया। अच्छा अब ये बटन थोड़ा सा ऑड लग रहा है ठीक है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये बटन्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पर और मैं जाता हूँ पहली लाइन में इस लूप के बाद और मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ इसमें एक और इफ़ वी बटन डॉट टेक्स कॉन्टेंट इज स्ट्रिक्टली इक्वल टू साइन तो क्या हो ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट मैं कहता हूँ वी बटन डॉट क्लास नेम ठीक है एक दूसरी क्लास इसको सी एस एस क्लास अप्लाई कर देते हैं उसको नाम कुछ भी दे सकते हैं मैं इसको नाम देता हूँ इक्वल ठीक है। इक्वल का बटन हम दोबारा से एक नई क्लास इस पर असाइन कर रहे हैं सारे के सारे जो बटन मौजूद हैं उनमें ये क्लास अप्लाई हो रही है लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर ये बटन डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट का यानी ये वाला बटन अगर दबाया जाए तो उस पर एक नई क्लास अप्लाई हो जाए और हम कहते हैं आखिर में जाते हैं हम क्लास को टारगेट करने के लिए इक्वल ये हमने क्लास का नाम दिया है डॉट इक्वल
क्लास को ट्राइट कर रहा है डॉट यूज़ करके, और ओपनिंग कर ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर ली ब्रैकेट, और मैं विथ चेंज कर देता हूँ बटन की, और विथ मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल्स, बाकी सारे बटन जो हैं 50 पिक्सल्स के हैं, और इस बटन की हम विथ चेंज कर रहे हैं 100 पिक्सल्स ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। रिफ्रेश करते हैं सेव करके, तो कुछ गड़बड़ मैंने कर दी है। F12 में दबाता हूँ और एरर कैन नॉट एक्सेस वी बटन बिफोर द इनिशियलाइजेशन। अच्छा, वी बटन हमने इनिशियलाइज नहीं किया, हमने क्लास अप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें चाहिए। अच्छा, तो ये बटन हमें चाहिए यहाँ पे एड इवेंट लिसनर से। फंक्शन से जस्ट पहले फाइल करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और ये बटन का साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। राइट माउस करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, और ये डॉक्यूमेंट हमारा फॉर्मेट हो गया। तो ये आसानी के साथ हमने, बहुत थोड़ी सी लाइन्स ऑफ कोड हैं, इसको मैं जाता हूँ एडिट, और मैं करता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस, और मैं दबाऊँगा कैरेट का सिंबल, और उसके बाद डॉलर सिंबल, और बैक स्लैश एन, मैं सारी एम्प्टी स्पेसेस रिमूव करना चाह रहा हूँ, और हम क्लिक करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस को, और मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, तो ये सारी एम्प्टी लाइंस हमारे पास रिमूव हो गई हैं। तो आप देखें कि बहुत छोटा सा हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 या 16 लाइंस में हमने जावास्क्रिप्ट टाइप करके पूरा कैलकुलेटर डिज़ाइन कर लिया। टोटल अगर आप देखें, जिसमें CSS और HTML अगर इंक्लूड है, तो सिर्फ 56 लाइंस हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा कैलकुलेटर है, बहुत छोटा सा कोड है, और इसकी मदद से हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से एक पूरा फंक्शनिंग कैलकुलेटर डिज़ाइन कर लिया, ऑनलाइन कैलकुलेटर। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।